आपकी भी डिलीवरी अगस्त महीने में होने वाली है और आप कि जो डिलीवरी डेट है वो नज़दीक आ गई है और लेवा पेन शुरू नहीं हो रहा है तो क्या करें। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं बताऊंगी किस तरह से नेचुरल तरीके से लेवा पेन ला सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी दूंगी। हाय गाइस, मैं हूं प्रीति और आप सभी का हैप्पी प्रिंस हेल्थ टिप में स्वागत है। आशा करती हूं आज का दिन आपका शुभ बीतरा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जैसे कि आप नौवे महीने में आ चुकी है तो फिर आपके जो लेबर पेन है नेचुरल तरीके से जो लेबर पेन वो कभी भी शुरू हो सकता है। नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है वो शुरू होने के लिए आपके साथ ये दो काम होना बेहद ज़रूरी है। पहला, आठवें महीने के मिड में मतलब कि 32 to 35 वीक में आपके बच्चे का हेड डाउन पोजीशन कर लेना और दूसरा बच्चेदानी का जो मुंह है वो खुलना मतलब कि सर्विक्स डायलेटेशन होना। इन दोनों चीज़ों से आपके जो नॉर्मल डिलीवरी है बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। महिलाओं में ये दोनों चीज़ें हो गई है ना तो 100% गारंटी है कि उनकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो होगी ही। महिलाओं का बच्चे ने सही समय पे हेड डाउन पोजीशन नहीं किया और हेड डाउन पोजीशन करने के वजह से जो बच्चेदानी के मुंह में ना मुंह पे प्रेशर आता है जिसके वजह से वहाँ पर जो डायलेटेशन है बच्चेदानी का मुंह खुलने का जो बोलते हैं वो खुलता है और जिन महिलाओं में ये नहीं होता है उनकी सी सेक्शन होती है। 20% महिलाओं में ऐसा हो देखा गया है कि ये सारी चीज़ें प्रोसीजर होता है पर फिर भी उनको है ना लेबर पेन शुरू नहीं होता है और उनकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं हो पाती है। आज अभी मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से वो महिलाएं अपने लिए नॉर्मल जो पेन होता है लेबर पेन जिसे कहते हैं वो शुरू कर सकती है। फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है कि आपका जो ईडीटी है जो डिलीवरी डेट है वो नज़दीक आने के टाइम पे है ना जितने बार डॉक्टर बुलाए उतने बार जाए और चेक करवाए कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितने बार कितना खुला है। कई बार ना क्या होता है ऑक्सीटोसिन की जो मात्रा है आपके शरीर में कम होने की वजह से आपको लेबर पेन नहीं शुरू होता है तो क्या करते हैं डॉक्टर चेक करते हैं और देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है पर आपको लेबर पेन की शुरुआत नहीं हुई है तो वो आपको है ना एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसके वजह से आर्टिफिशियली ये जो लेबर पेन है शुरू हो जाती है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। वो भी एकदम सेफ तरीका है, हो गया आर्टिफिशियल। आप है ना नेचुरल तरीके से कैसे लेबर पेन ला सकते हैं चलिए जानते हैं। आपको अगर ईडीटी है ना 1 तारीख की है तो फिर 7 तारीख या फिर 8 तारीख से आपको निप्पल को स्टिमुलेट करना शुरू करना है। स्टिमुलेशन का मतलब है कि निप्पल पे ऑयल लगाना है, आपके नारियल तेल भी हो सकता है या फिर कोई भी तेल हो सकता है जो भी आप घर पे यूज़ कर रहे हो वो सारे तेल इस पर लगा सकते हैं कोई भी तेल और बच्चे ना निप्पल को कुछ इस तरह से आपको घुमाना है कुछ इस तरह से इस मसाज से आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। ऑक्सीटोसिन से ना आपको लेबर पेन शुरू हो जाता है। जिन महिलाओं में ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम होती है उन्हें लेबर पेन शुरू ही नहीं होता। जो टिप मैं बताई हूँ ना ये टिप फॉलो करने के बाद आप देखोगे कि हफ्ता या फिर 5 दिन के बाद आपको जो लेबर फेल है पेन है वो शुरू हो गया है। इनफैक्ट फॉल पेन जो नहीं हो रहा था फॉल कॉन्ट्रैक्शन वो भी शुरू हो चुका है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको है ना लेबर पेन ही आना चाहिए, इससे ही आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो होगी। पॉइंट नंबर 2, आपको है ना जीरे वाला जो पानी है वो पीना चाहिए या फिर जीरे वाला चाय भी बोल सकते हैं वो पीना चाहिए। इसे कैसे तरह से बनाता है जान लेते हैं। 1 चम्मच जीरा को है ना 1 गिलास पानी में डालना है और वो 1 गिलास पानी आधा गिलास बन जाए ना मतलब उबाल उबाल के उसके पानी आधा गिलास हो जाए उसे छान लेना है। उसके अंदर नींबू डाल सकती है या फिर हनी डाल के उसे एज अ चाय जैसे पीते हैं ना उस तरह से पीना है। इससे ये है ना आपके शरीर में हीट जनरेट होगी और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, आप है ना इस टाइम पे रिलेशनशिप बना सकती है, इससे है ना आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जल्दी हो सकता है। मेल फीमेल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके वजह से आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन आने में हेल्प होती है। जो रिलेशनशिप बनाने की बात है ना तब भी फॉलो कीजिए जब आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ चल रही है। डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कीजिए, ये सारी चीज़ें पहले से ही कंसर्न होनी चाहिए। ये खाने पीने की बात जिससे आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है, आप पपैया ले सकती है, अनानास ले सकती है, आप 2 से 3 अनानास ले सकती है पर बीच वाला पार्ट लेना है जिससे
बीच वाले पार्ट में कुछ इस कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिससे ना यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है। ड्राई फ्रूट ले लीजिए, हल्दी दूध, केसर दूध ले लीजिए, इससे भी आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है बहुत अच्छे हो सकता है। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो यहीं तक था, और तो अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड ले रही शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब कि आपको वीडियो पसंद आया, इसलिए अंत तक देखा है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर करके जाइएगा। और मेरे कुछ यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं नए वीडियोस जिस पे आप है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत सारे मैंने जानकारी दी है वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद।